और दो महीने के अंदर जो हमने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे हमने उन वायदों को पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। आपने देखा होगा कि हमने वायदा किया था कि हम रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 25 दिसंबर को हमने ये फैसला लिया था और 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर देना हमने प्रारंभ कर दिया, जिसका फायदा राजस्थान के लगभग 74 लाख महिलाओं को यह फायदा मिलने वाला है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़ा करके 12000 की जाएगी। केंद्र से हमारी सरकार को 6000 रुपए मिलते हैं और हमने चरणबद्ध तरीके से 2000 रुपए किसान सम्मान निधि बढ़ाने का हमने काम किया है और हमने 6000 से 8000 रुपए सम्मान निधि को किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि हम किसानों की एमएसपी का दाम बढ़ाएंगे गेहूं का, और हमने 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके किसानों की गेहूं की एमएसपी का दाम 2400 रुपए करने का काम हमने किया है। हमने कहा या नकल हुई थी 19 पेपरों में से 17 पेपरों में नकल हुई थी, हमने कहा हम एसआईटी गठित करेंगे। हमने एसआईटी गठित करने का काम किया क्योंकि युवाओं के साथ खुटाराघात हुआ था, और हमने एसआईटी गठित भी की और उनको पकड़ना भी प्रारंभ कर दिया। ऐसे हमने 25 लोगों को जिन्होंने नकल कराई थी ऐसे 25 लोगों को पकड़ा भी है, और आगे हमारी एसआईटी काम भी कर रही है। जो युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है किसी भी कीमत पर हम उनको छोड़ने वाले नहीं है। आए दिन जिस तरह से गुंडागिर्दी होती थी, आए दिन गैंगवार होती थी, हमने कहा जब भू माफिया हो, बजरी माफिया हो, कोई भी हो, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। हमने गैंगस्टर टास्क फोर्स का निर्माण किया और आपने देखा होगा एक साथ हमने उन लोगों को गिरफ्तार भी किया और उनको हमने बाहर से भी पकड़ करके लाए। आए दिन कोई ना कोई हम किसी ना किसी गैंगवार को पकड़ने का काम कर रहे हैं, और जिस दिन से हमारी सरकार आई है किसी भी तरह का गैंगवार हमारे यहाँ नहीं हुआ। और हमने ये भी कहा है कि अगर किसी भी तरह का गैंगवार होगा और उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा हमने वायदा किया कि जिस तरह से राजस्थान में महिला अत्याचार हुए थे हम महिला अत्याचार को सहन नहीं करेंगे, और हमने महिला अत्याचार के खिलाफ हमने महिला टास्क फोर्स का भी काम किया है और हर जिले में एक थाना खोलने का भी काम हमने किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, लगातार जो हमने आपके साथ में संकल्प पत्र रखा था उस संकल्प पत्र को पूरा करना हमने प्रारंभ कर दिया है। और आपने देखा होगा 30 साल और 35 साल की हमारी योजनाएं जो अटकी पड़ी थी, मैं कहना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी ने हमारा पूरी तरह से कहा कि राजस्थान के पानी का हिस्सा मिलना चाहिए। हमारा जो 35 और 40 साल का जो सपना था वो ईआरसीपी का सपना भी पूरा किया, और जो हमारा तेजावाला से जो हमारा पानी यमुना का मिलने वाला था सीकर झुंझुनू और चूरू को, वो भी काम हमने पूरा किया। हम निश्चित रूप से आपसे कहना चाहते हैं कि जो संकल्प पत्र को लेकर के हम आपके बीच में गए थे उस संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, चाहे हमारे बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे मंडल का कार्यकर्ता हो, जिले का कार्यकर्ता हो, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है, जनता के बीच में रहता है। हमने कहा है कि जो भी आपने वायदा किया है आपके उस वायदे को पूरा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। माननीय गृह मंत्री जी हमारे बीच में पधारे हैं, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं और ये विश्वास भी दिलाता हूं कि यह राजस्थान का कार्यकर्ता है, यह महाराणा प्रताप की धरती है, यह महाराजा सूरजमल की धरती है, यह शक्ति और भक्ति की धरती है। यहाँ का कार्यकर्ता जब ठान लेता है तो उसे पूरा करके रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आने वाले समय में हमारा जो 2024 का हमारा लोकसभा का चुनाव है, हम थोड़े बहुमत से नहीं, कोई भी विधान लोकसभा हमारी ऐसी नहीं होगी जो 5 लाख वोटों से कम हम जीत पाए। 5 लाख वोटों से ज्यादा से हर लोकसभा हम जीतेंगे।
हर बूथ हम जीतेंगे, ये हम विश्वास आपको दिलाना चाहते हैं। पुणे में एक बार माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करते हुए एक बार जोर से माननीय गृह मंत्री जी का ताली बजा के आप स्वागत और अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद जय भारत।